स्टूडेंट स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ्स में चैप्टर 5। लास्ट में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था, सबट्रैक्शन माइनस वाला। आज हम मैथ्स में नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 5। देखो क्या है, नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। ये चैप्टर है हमारा 5। नंबर्स है 10 से 20 तक, नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप सबको बहुत ही मजा आएगा, वेरी इजी है। ओके, हम करते जाएंगे, तो चलो शुरू करेंगे, लेट्स स्टार्ट। देखो, ओपन योर मैथ्स वर्कबुक, ये वाली आपकी मैथ्स की वर्कबुक निकालो, उसमें पेज नंबर 9797 निकालो। मैथ्स की वर्कबुक में पेज नंबर 9797। नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, अंडरस्टैंड 10, ये वाले पेज में आपको समझना है कि क्या है 10। देखो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देता होगा, यहाँ पर आपको गन्ने का बांबू दिखाया हुआ है, फिर यहाँ पर पत्ते हैं, लीफ, फिर माचिस की स्टिक है, रोज है, यहाँ पर डॉट 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 ऐसा दिया है। तो यहाँ पर जो सब कुछ है वो अलग अलग दिया है ना, सब आप काउंटिंग करो तो 10 ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब, ये वाली जो पूरी लाइन है ना, सब में 10 10 ही है, पर वो सब कुछ है वो अलग अलग है। जैसे कि कुछ भी पड़ा हो, कुछ भी फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, तो उसमें 10 10 हो, पर सब कुछ अलग अलग ऐसे पड़ा हो, तो आप क्या करोगे, उसका ग्रुप बनाओगे। 10 10 का ग्रुप, 1 ग्रुप में 10, दूसरे ग्रुप में 10, ऐसे 10 10 का ग्रुप बनाना है। तो देखो यहाँ पर कुछ ठीक ऐसा ही किया है, ग्रुप्स ऑफ 10 बंडल, यहाँ पर अलग अलग था तो यहाँ पर 10 का बंडल बना दिया, यानी एक ग्रुप बना दिया। तो फिर आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी इसे 1, 2, 3, 4, 5 करने की, सीधा ही आप काउंट कर सकते हो। ये 10 का बंडल, ये दूसरा बंडल, तीसरा ऐसे 10, 20, 30, ऐसे आप इजीली काउंट कर सकते हो, इसीलिए है ये ग्रुप्स ऑफ 10 बंडल। फिर यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ 10, तो देखो यहाँ पर 10 लीव्स, लीव का ग्रुप है पूरा। फिर यहाँ पर ऐसे माचिस्टिक, फिर रोज, ऐसे रोज, उसका देखो यहाँ पर कुछ अलग अलग था 10, और यहाँ पर क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया, यानी इसने 10 का एक ग्रुप बनाया हुआ है, राइट। आया समझ में, पीछे करो पेज, टर्न द पेज, पेज नंबर 9898। क्वेश्चन 1, मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एज पर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे आपको यहाँ पर नीचे 10 का ग्रुप बनाना है। देखो यहाँ पर फ्लावर यानी रो, हाँ दिया है, तो देखो काम करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है, पर हमको क्या करना है, सिर्फ 10 का ही ग्रुप बनाना है। तो पहले आपको 10 सीधा काउंटिंग कर लेना है, देखो ऐसे 10 तक काउंटिंग करके फिर उसको लाइन बना करें पूरा ग्रुप अलग 10 का ऐसा ग्रुप। वैसे यहाँ पर नीचे कैंडीज, तो कैंडी में भी आपको 10 का ग्रुप बना देना है, देखो ऐसे मैंने बनाया हुआ है, ऐसे आपको 10 का ग्रुप बनाना है। फिर यहाँ पर नीचे देखो टॉप, फिर यहाँ पर उसके ऐसे पहले आपको सब काउंटिंग कर देना है, फिर क्या करना है, सिर्फ 10 ही काउंटिंग करना है, 10 तक एक ग्रुप
बना देना है। अब शायद पूरा काउंटिंग ना करो तो भी चलेगा यहाँ तक के पूरे के पूरा, पर 10 काउंट करके 10 का एक अलग ग्रुप बना देना है। फिर ये वैसे यहाँ पर नीचे फैथर, नीचे चॉकलेट्स है ना, तो ऐसे ही आपको 10-10 का ग्रुप बनाना है। आपको समझ में आया होगा एक ग्रुप कैसे बनाना है, तो आपको देखो होमवर्क में मैथ की वर्कबुक में पेज नंबर 9898 चैप्टर 5 का ये वाला पेज आपको फिलअप करना है। उसमें आपको 10 का ऐसा ग्रुप बनाना है। ओके, इतने आपको करना है। फिर नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।